हेलो माय फ्रेंड, वी आर बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप का मैच जारी है और इंग्लैंड का मैच बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और हारिस रौफ ने एक विकेट ले ली है और 32 रन पे दूसरी विकेट गिर गई है। तो दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहता हूँ मौज ही हो गई है पाकिस्तानियों की शहीदों ने, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। तो उनकी दूसरी विकेट भी गिर गई है और हारिस रौफ ने बहुत अच्छी विकेट ली है। इस टाइम पे आके कम से कम 5 या 8 विकेट गिरनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस टाइम बड़े जोशो खरोश में है, बड़ी गर्म है और ये टीम कुछ भी कर सकती है। फास्ट बॉलर हैं, 10 रन बनाकर हारिस रौफ का शिकार। दोस्तों, नई से नई अपडेट आ रही है, इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी विकेट 32 रन पर गिर गई। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल से हारिस रौफ ने तकरीबन 2-3 विकेट इसी ओवर में ले ली ना, तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग घर में तो खूब इंजॉय कर रहे होंगे, जहाँ बैठे होंगे दोस्तों आज मैच का बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, बाहर भी फुल सन्नाटे हैं। मैं आप दोस्तों, इस टाइम दिल धक 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 कर रहा है। तो दोस्तों, आपका दिल भी धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो दोस्तों, आप दुआ करें कि पाकिस्तान के जो माशाल्लाह हमारे बॉलर हैं, बड़े अच्छे अच्छे बॉलर हैं, ये तकरीबन 5 ओवर में 6 से 7 विकेटें अगर ले लें ना, तो दोस्तों फिर तो बड़ा मज़ा है। फिर तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हक में मैच आ जाएगा, ठीक है। तो 2 विकेटें गिर गई हैं 32 रन पे। तो मैं कहता हूँ तमाशाइयों का रश पड़ा हुआ है इस टाइम, माशाल्लाह मैं कहता हूँ फुल रश पड़ा हुआ है स्टेडियम में और खूब इंजॉय हो रहा है। जो लोग बाहर उधर मैं कहता हूँ मैच देखने गए हुए हैं, तो हमारा दिल भी करता है, लेकिन क्या करें, हम तो घर बैठे इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो शो पर बैठा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है मैच देखने का। तो इंशाल्लाह जो नई अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो आप में ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना है, इससे आने वाला नए से नया व्लॉग, अच्छा व्लॉग आपको मिलेगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, टाटा।